This call is now being recorded. पिछली क्लास में हमने अधिकार के बारे में जाना था और आज की क्लास में हम देखेंगे कि कर्तव्य क्या होता है, उसका अर्थ और उसके प्रकार। सामान्य रूप से अगर आप कर्तव्य को जानते हो तो ये बोल सकते हो कि किसी भी व्यक्ति को अगर कोई कार्य पूरा करने के लिए दिया जाता है, नहीं मतलब कोई जिम्मेदारी दी जाती है कि उस कार्य को आपको पूरा करना है, तो अगर वो आदमी उस कार्य को पूरा करता है तो वो क्या कहलाएगा? कर्तव्य कहलाएगा कि उसने अपना कार्य पूरे जिम्मेदारी से पूरा किया। ठीक है, ये सामान्य भाषा में ही है। और अगर इसको सामान्य विस्तृत रूप से अगर देखोगे तो ऐसा बोलोगे कि एक व्यक्ति के ऊपर सौंपी गई जिम्मेदारी को पूरा करना ही उसका कर्तव्य कहलाता है। ठीक है, तो छोटे से अर्थ में केवल आपको ये लिखना है कि जिम्मेदारी को पूरा करना ही कर्तव्य कहलाता है। विस्तृत अर्थ में क्या लिखोगे कि एक व्यक्ति के ऊपर सौंपी गई जिम्मेदारी को पूरा करना ही उसका कर्तव्य कहलाएगा या कहलाता है। प्रोफेसर ग्रे जो हैं, वो इसको इस तरीके से परिभाषित करते हैं कि जो संगठित समाज होता है, ठीक है, जो संगठित समाज है उसके द्वारा विधिक अधिकारों की रक्षा हेतु कार्य को करने या ना करने के जो आदेश दिए जाते हैं वे आदेश आदिष्ट व्यक्तियों के लिए विधिक कर्तव्य होते हैं। यानी कि अगर जो संगठित समाज है हमारा, है ना, उसको जो अपने अपने उनको जो विधिक अधिकार दिए गए हैं उनकी रक्षा के लिए, रक्षा हेतु कोई कार्य को जो करने बोल रहे हैं या नहीं करने बोल रहे हैं उसके लिए जो आदेश दिए जाते हैं, और अगर वो आदेश को वो पूरा करते हैं या नहीं करते हैं तो वो उनका विधिक कर्तव्य कहलाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारा कर्तव्य है वो कहीं ना कहीं पे एक ऐसा चीज है जो कोई काम को या किसी कार्य को, है ना, जिम्मेदारी के द्वारा पूरा करना कर्तव्य है। ठीक, अब हम देखते हैं आगे कि जो कर्तव्य है उसके प्रकार, क्योंकि कर्तव्य को अगर आप प्रकार के रूप में मतलब कि विभाजित करोगे तो आपको ये समझ में आएगा, जहां तक आप जानते हो कि थोड़ा बहुत ही प्रकार जानते हो कर्तव्य का, परंतु जो विधि शास्त्री हैं, है ना, उन्होंने बहुत प्रकार से कर्तव्य को डिवाइड किए हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले कितने प्रकार से बांटा गया है, तो ये 10 प्रकार से बांटा गया है। पहला है आपका धार्मिक कर्तव्य, दूसरा है सामाजिक कर्तव्य, तीसरा है आपका व्यक्तिगत कर्तव्य, चौथा राजकीय कर्तव्य, विदेशी कर्तव्य, सकारात्मक कर्तव्य, नकारात्मक कर्तव्य, प्राथमिक कर्तव्य और द्वितीयक और पारिवारिक कर्तव्य, जिसमें कि अगर आप सामान्य रूप से क्या जानते हो, धार्मिक कर्तव्य जानते हो, पारिवारिक कर्तव्य जानते हो या प्राथमिक कर्तव्य जानते हो और राज्य का कर्तव्य जानते हो, व्यक्तिगत कर्तव्य जानते हो, सामाजिक कर्तव्य जानते हो, ये जो सकारात्मक कर्तव्य है, नकारात्मक है, द्वितीयक कर्तव्य है, इसके बारे में आपको जानकारी शायद नहीं होगी। ठीक है, तो हम इसको आगे देखते हैं कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमारा है धार्मिक कर्तव्य। धार्मिक कर्तव्य ये वे कर्तव्य होते हैं जो व्यक्ति से संबंधित नहीं होते हैं। ठीक है, व्यक्ति से संबंधित ना होकर किसी भगवान, जानवरों, पक्षियों या पशुओं की भलाई से संबंधित होते हैं। यानी कि आप उसमें क्या है, अपने बारे में नहीं है ना वो आपका कर्तव्य, वो दूसरे से है, भगवान से है, पशु पक्षी से है, जानवर से है। जैसे कि एग्जाम्पल में इसका, आप रोज नहाते होगे, है ना, रोज पूजा करते होगे, पक्षी और पशुओं को खाना खिलाते हो, ये आपका धार्मिक कर्तव्य। क्यों? क्योंकि वो आपको धर्म बोलता है कि आप इनको भोजन खिलाएंगे, है ना, तो पुण्य मिलेगा, आप अपने शरीर को साफ रखेंगे तो आपका दिन अच्छा जाएगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका धार्मिक कर्तव्य। तो धार्मिक कर्तव्य क्या है, वे कर्तव्य जो व्यक्ति से संबंधित ना होकर अन्य से, ठीक है, अन्य में आप समझ जाइएगा क्या लिखना है आपको, जानवर, पक्षी की भलाई,
ठीक है, इनकी भलाई के लिए आप जो काम करते हैं, अपना जो दैनिक दिनचर्या भी करते हैं, वो भी आपका धार्मिक कर्तव्य के अंतर्गत में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार धार्मिक कर्तव्य से क्या मतलब है कि वे कर्तव्य जो व्यक्तियों से संबंधित ना होकर अन्य से, जैसे कि भगवान, जानवरों, पशु पक्षियों की भलाई से संबंधित होते हैं, वे धार्मिक कर्तव्य कहलाते हैं। जैसे कि आपका रोज नहाना, पूजा करना, व्रत करना और पशु पक्षियों को खाना खिलाना। ठीक है, अब देखिएगा, आप जो सामाजिक कर्तव्य है, सोशल ड्यूटीज जिसको बोलते हैं, तो ऐसे कर्तव्य जो व्यक्तियों को समाज के प्रति प्राप्त होते हैं, कि आप समाज में अगर रहते हो तो समाज के प्रति भी आपका एक कोई कर्तव्य होता है ना, तो वो कहलाते हैं आपके सामाजिक कर्तव्य। जैसे कि आपका सामाजिक कर्तव्य क्या है कि दिन भर झगड़ा करते रहना, बीच सड़क में अगर आप झगड़ा करोगे तो क्या होगा, समाज में सुख शांति रहेगी? नहीं होगी। ठीक है, तो समाज में शांति बनाने का जो कर्तव्य है वो किसका है? प्रत्येक व्यक्ति का है, वो कहलाता है आपका सामाजिक कर्तव्य। तो सामाजिक कर्तव्य में क्या है कि समाज के प्रति होता है, समाज के प्रति प्राप्त होता है कर्तव्य। ठीक है, उसको बोलते हैं हम सामाजिक कर्तव्य। आगे देखिएगा, जो व्यक्तिगत कर्तव्य होता है, अगर आप सामाजिक कर्तव्य ये बोल सकते हो कि समाज के प्रति होता है, तो व्यक्तिगत कर्तव्य क्या होगा कि किसी एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से वो प्राप्त होता है। मतलब कि ऐसे कर्तव्य जो व्यक्ति के व्यक्तिगत होते हैं, यानी आपके स्वयं के होते हैं, वो व्यक्तिगत कर्तव्य कहलाते हैं। जैसे कि आपका एग्जाम्पल में लो कि आपको अपने चरित्र का विकास करना है। ठीक है, आपको आपको सफल बनाने के लिए क्या है, आपके जो दिमाग में है गंदगी हटाना है, आपको अपने चरित्र का विकास करना है, शारीरिक विकास करना है, मानसिक विकास करना है। ठीक है, आर्थिक संबंधी कर्तव्य है ये सब, आर्थिक संबंधी मतलब आपको क्या है, धन कमाना है। धन कमाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा, चरित्र का विकास करना पड़ेगा, क्योंकि समाज में क्या है, जो जिसके चरित्र अच्छे होते हैं उन्हीं को काम पे लिया जाता है। चोर उचक्के को के काम पे रख सकते हो आप? नहीं रख सकते हो। इसलिए ये जरूरी है कि आपका जो चारित्रिक विकास है वो परिपूर्ण तरीके से स्वस्थ हो। ठीक है, तो इस प्रकार व्यक्तिगत कर्तव्य ऐसे कर्तव्य होते हैं जो व्यक्तिगत रूप से आपको एक व्यक्ति को मिले रहते हैं। ठीक है, आगे है आपका राजकीय कर्तव्य। व्यक्तिगत कर्तव्य अगर किसी व्यक्ति को मिलता है, तो राजकीय कर्तव्य क्या होगा कि जो एक व्यक्ति का राज्य के प्रति कर्तव्य होता है, कि आप जिस राज्य में रहते हो उस राज्य के लिए आपका क्या कर्तव्य है कि आप जहां रहते हो आप वहां पे शांति बनाए रखने में सहयोग करोगे, सेवा करोगे, सहायता करोगे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा राजकीय कर्तव्य, जो आपको राज्य के प्रति मतलब व्यक्ति के राज्य के प्रति होता है। ठीक है, ये होता है आपका स्टेट ड्यूटी, राजकीय कर्तव्य। आगे है आपका विदेशी कर्तव्य। ऐसे कर्तव्य जो विदेशों के नागरिकों के प्रति होते हैं, विदेशी कर्तव्य कहलाते हैं। अगर कोई विदेशी व्यक्ति आपके देश में आता है, तो आपका कर्तव्य है कि आप उस विदेशी व्यक्ति का क्या करो। जैसे कि आपके घर में कोई अतिथि आता है, वैसे आप सेवा सत्कार जो करते हो, वैसे ही हमारे देश में अगर कोई बाहर से दूसरे देश का कोई व्यक्ति आया, ठीक है, विदेशी आया, तो क्या आप उसको लूटोगे, उसको मारोगे, है ना? मतलब कि ये सब नहीं कर सकते आप। आपका कर्तव्य क्या है, उसका सेवा करना। सेवा करने से ये मतलब नहीं होता है कि आप उसको पैर धुलाने लग जाओ। ठीक है, विदेशी लोगों का क्या करना है, आपको सम्मान करना है। और अगर इसका एग्जाम्पल आप देखोगे कि किसी दूसरे देश के खिलाफ विद्रोह उत्पन्न न करने का कर्तव्य, यदि अगर आपका एक एक देश से जो शत्रु है, वहां से दूसरा देश जो शत्रु है वहां से अगर कोई नागरिक आ रहा है, तो क्या आप उसके साथ ऐसा कर सकते हो कि हाँ वो दुश्मन है तो मार काट दो यहाँ पे? नहीं। ठीक है, वो वैसा नहीं होना चाहिए, आपको देश से है, व्यक्तियों से नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे विदेशी कर्तव्य से मतलब है कि ऐसे कर्तव्य जो विदेशों के नागरिकों के प्रति होते हैं, वो कहलाते हैं आपका विदेशी कर्तव्य। ठीक है, और
एग्जाम्पल दूसरा ये है कि दूसरे देशों के साथ युद्ध न करने का कर्तव्य, आप दूसरे देश के साथ स्वयं युद्ध नहीं चालू करोगे, ठीक है, और पारस्परिक सहयोग बढ़ाने के संबंधी जो कर्तव्य होते हैं वो भी आपका विदेशी कर्तव्य होते हैं। आगे चलिएगा, सकारात्मक कर्तव्य क्या होते हैं? तो सकारात्मक कर्तव्य ऐसे कर्तव्य हैं जब विधि हमें किसी कार्य को करने के लिए बाध्य करती है ना, तो वह कर्तव्य सकारात्मक कर्तव्य कहलाता है, कि जैसे आपको कोई काम को करना है, इस प्रकार किसी ऐसे कर्तव्य को पूरा करना जो उसके ऊपर सौंपा गया है सकारात्मक कर्तव्य कहलाएगा। जैसे कि यदि एक व्यक्ति दूसरे से धन उधार लेता है तो उसे चुकाने का जो कर्तव्य है वो होगा सकारात्मक कर्तव्य, ठीक है। पति का पत्नी के भरण पोषण का कर्तव्य है, ये आपका सकारात्मक कर्तव्य। पारिवारिक व बच्चों के भरण पोषण का कर्तव्य क्या है? सकारात्मक कर्तव्य है, क्योंकि विधि आपको बोलती है अगर आपने विवाह किया है तो पत्नी की जिम्मेदारी किसका है? पति का है कि वो उसका भरण पोषण करे। मान लो अगर आपने बच्चे पैदा कर लिया, परिवार बढ़ा लिया, तो बच्चों की जिम्मेदारी क्या है? राज्य का नहीं है, वो आपका कर्तव्य है, आपका बच्चा है, ठीक है, तो वो होगा आपका सकारात्मक कर्तव्य, ठीक है। यदि आपने किसी से ऋण ले लिया है तो उसको चुकाने का कर्तव्य राज्य का नहीं है, आपका है, व्यक्तिगत ऋण है ना वो, ठीक है, तो वो होगा आपका सकारात्मक कर्तव्य। इस प्रकार अगर कर्तव्य सकारात्मक कर्तव्य को आप बोलोगे कि जब विधि हमें किसी कार्य को करने के लिए बाध्य करती है, विधि कोई कार्य को करने के लिए बाध्य करती है का मतलब ये है, यहाँ पे ये है कि विधि विधि के अंतर्गत में अगर आपने कोई काम किया है, ठीक है, तो परिवार बनाना, विवाह करना, ऋण लेना, ये क्या है? ये सब क्या है? नॉर्मल चीज है। विधि बोलती है कि आप ऐसा आप करोगे, ठीक है, तो उसको जो विधि है, विधि हमें किसी कार्य को करने के लिए बाध्य करती है तो वो होगा आपका सकारात्मक कर्तव्य। आगे है आपका नकारात्मक कर्तव्य, जब विधि हमें किसी कार्य को न करने के लिए बाध्य करती है, ठीक है, न करने के लिए, विधि न करने के लिए बाध्य करती है, और यहाँ पे है आपका विधि करने के लिए, ठीक है। तो नकारात्मक में क्या है कि जब विधि हमें किसी कार्य को न करने के लिए बाध्य करती है तो वो कर्तव्य क्या है? नकारात्मक कर्तव्य होते हैं, अर्थात ऐसे कर्तव्य जो हम दूसरों के साथ न करें, ठीक है, नकारात्मक कर्तव्य होंगे। जैसे कि दूसरे व्यक्ति को संपत्ति व उसके उपयोग के मामले में हस्तक्षेप न करना। यदि आपके पास खुद की संपत्ति है, आपका घर है, और आप दूसरे के घर में तांग झांग कर रहे हो, दूसरे के घर में आना जाना कर रहे हो, मतलब कि जबरदस्ती वाला है ना, उसके मामले में हस्तक्षेप आप नहीं करोगे, ये होगा आपका नकारात्मक कर्तव्य, ठीक है। अब आगे देखिएगा, जो आपका प्राथमिक कर्तव्य है वो क्या है? प्राइमरी ड्यूटी, शायद आप जानते भी होगी प्राइमरी ड्यूटी क्या है, जिसको आप बोलते हो मौलिक कर्तव्य, ठीक है। तो प्राथमिक कर्तव्य क्या है कि किसी अन्य कर्तव्य से स्वतंत्र मौलिक कर्तव्य को प्राथमिक या मुख्य कर्तव्य कहा जाता है, यानी कि ऐसे कर्तव्य जो व्यक्ति को प्राथमिकता से करने चाहिए प्राथमिक कर्तव्य होते हैं। जैसे कि आपका जो प्राथमिक कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य क्या बोलता है कि अगर किसी व्यक्ति को चोट लग गई है, यानी कि आप अगर सड़क से जा रहे हैं और किसी व्यक्ति को चोट लग गई है तो आप उसे अस्पताल पहुंचाएं, ठीक है, और उसको दवा दिलाएं, वो आपका प्राथमिक कर्तव्य है। परंतु इस श्रेणी में किसी को चोट ना पहुंचाना भी आता है। आप, ठीक है, आप सड़क से किसी को उठा के ले जा रहे हो, ये आपका मौलिक कर्तव्य है, आपका प्राथमिक कर्तव्य है, परंतु ये भी बोलता है कि आप किसी को ठोकर नहीं मारोगे, चोट नहीं पहुंचाओगे, ये भी आपका कर्तव्य है। परंतु क्या ऐसा होता है कि लोग अपना प्राथमिक कर्तव्य निभाते हैं? नहीं निभाते हैं, ठीक है, तो आगे इसके बारे में चर्चा कर लेंगे हम लोग। तो अभी आपको यह समझना है कि प्राथमिक कर्तव्य वे या मौलिक कर्तव्य होते हैं जो आपको प्राथमिक रूप से या मुख्य रूप से आपको उसको निभाना पड़ता है, ठीक है, जिसको आपको विधि ने दी है। द्वितीयक कर्तव्य क्या होते हैं? कि जब कर्तव्य का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है अपितु किसी अन्य कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए वो लागू होता है, तो उसे द्वितीयक या गौण कर्तव्य कहते हैं या सेकेंडरी ड्यूटी कहते हैं। अर्थात ऐसे कर्तव्य जो व्यक्ति को दूसरे स्थान पर करना चाहिए, ठीक है, कोई दूसरे स्थान पे करना चाहिए, द्वितीयक कर्तव्य कहलाते हैं।
जैसे कि किसी अन्य व्यक्ति को पहुंचाई गई क्षति के फलस्वरूप उसको क्षतिपूर्ति राशि देने का कर्तव्य। यदि आपने एक्सीडेंट यहाँ कर दिया है किसी का और वो रहता कहीं और है, वो चला गया, ठीक है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया, ठीक है, यानी कि एक्सीडेंट हुआ रायपुर में, वो रहता है बिलासपुर में, तो उसको एडमिट करा दिए बिलासपुर में, तो आपका कर्तव्य क्या है कि आप उसको क्षतिपूर्ति देंगे, ठीक है। लो मतलब कि विधि इसको कैसे करे, अगर वो केस करेगा तो आपको उसके केस के माध्यम से न्यायालय उसको दिलाएगा क्षतिपूर्ति। तो यहाँ पे ये आपका द्वितीय कर्तव्य है कि वो कहीं पे भी रहे, आपको उसको क्षतिपूर्ति देना है, ठीक है। क्षतिपूर्ति राशि देने का जो कर्तव्य है वो आपका है द्वितीय कर्तव्य। आगे देखिएगा जो पारिवारिक कर्तव्य होता है यानी कि फैमिली ड्यूटी, ऐसे कर्तव्य जो व्यक्ति को अपने परिवार के लिए करने पड़ते हैं। अब आप ये बोलोगे कि अभी तो हमने पढ़ा कि सकारात्मक कर्तव्य में भी है कि जो पारिवारिक है या बच्चे का भरण पोषण है वो कर्तव्य, तो यहाँ पे इसको समझिए कि पारिवारिक कर्तव्य क्या है और सकारात्मक कर्तव्य क्या है, ठीक है। तो ऐसे कर्तव्य जो व्यक्ति को अपने परिवार के लिए करने पड़ते हैं पारिवारिक कर्तव्य कहलाते हैं, जैसे बच्चों का भरण पोषण, वृद्ध माता पिता की सेवा करना और सहायता करना, ठीक है। इसमें सकारात्मक कर्तव्य में क्या बताया था कि केवल बच्चों का भरण पोषण या पत्नी का भरण पोषण, परंतु जो पारिवारिक कर्तव्य, जो आपके परिवार में जो सदस्य हैं उनके प्रति आपकी कोई ना कोई जिम्मेदारी होती, चाहे वो माँ बाप हो चाहे सास ससुर हो, ठीक है, उनके प्रति जो कर्तव्य है वो आपका कहलाएगा पारिवारिक कर्तव्य, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारा संपूर्ण होता है कर्तव्य के प्रकार। अब आप ये समझिएगा कि जो अधिकार है ना, अधिकार और कर्तव्य हैं एक साथ होते हैं, सह संबंधी कहलाते हैं, सह संबंधी या कोरिलेटिव। अब क्यों कहलाते हैं उसको समझना पड़ेगा। अगर आपको कोई अधिकार मिला है तो सामने वाले किसी व्यक्ति को उसका कर्तव्य भी मिला होगा, ठीक है। अब उसको देखिए कि अधिकार का कर्तव्य के साथ बहुत गहरा संबंध होता है कि जो कोई भी व्यक्ति को है ना, किसी को भी कर्तव्य, बिना कर्तव्य के कोई भी अधिकार पूरा नहीं हो सकता। अगर सामने वाले व्यक्ति को कर्तव्य नहीं मिलेगा तो आपके अधिकार का पूर्ति भी नहीं होगा, ठीक है। और प्रत्येक अधिकार में एक कर्तव्य निहित होता है। जो हमारे अधिकार हैं वो दूसरों के कर्तव्य होते हैं। अगर यहाँ पे मान लीजिए ए और बी, ठीक है, अगर ए ने साइकिल खरीदी, साइकिल चलाने का अधिकार केवल ए का है, तो जो बी है उसका क्या है, वो नहीं चलाएगा, उसके साथ साथ कोई और भी नहीं चलाएगा। परंतु अगर बी बी कोई साइकिल खरीद रहा है, ठीक है, तो ए के प्रति क्या है, ए भी उस चीज को नहीं चलाएगा। तो अगर ये इसका अधिकार है तो ये इसका कर्तव्य बन जाएगा, और इसका अधिकार है तो ये इसका कर्तव्य बन जाएगा। तो एक दूसरे को क्या मिलता है, एक को अधिकार मिल रहा है तो दूसरे को कर्तव्य मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसीलिए इसको बोला गया है कि अधिकार व कर्तव्य के बीच में गहरा संबंध होता है। अधिकार और जो कर्तव्य है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यानी कि हेड एंड टेल है ना, और इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार संतान के बिना पिता की तथा पिता के बिना संतान की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार अधिकार के अभाव में कर्तव्य की तथा कर्तव्य के अभाव में अधिकार की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इस प्रकार एक का अस्तित्व दूसरे के अस्तित्व पर निर्भर करता है, ठीक है। अधिकार व कर्तव्य सापेक्ष हैं, कोरिलेटिव हैं या नहीं, इस संबंध में भी बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं कि है कि नहीं है, है ना। मतलब कि कोई भी अगर आप कुछ बोलोगे, कुछ नियम बनाओगे या किसी चीज कथन को मानते हो, तो वहां पे विधि शास्त्रियां कोई एक ऐसा पक्ष होता है कि उसको मानता है और कोई ऐसा पक्ष होता है जो उसको नहीं मानता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो दिग्वी है ना, जो दिग्वी हैं वो क्या बोलते हैं कि अधिकार व कर्तव्य सह संबंधी हैं कि नहीं, उसके बारे में। जो दिग्वी हैं, दिग्वी के सामाजिक समेकता का सिद्धांत है ना, इनके अनुसार क्या है, सामाजिक समेकता के सिद्धांत, ठीक है, जिसको थ्योरी ऑफ सोशल सॉलिडरिटी बोलते हैं, के अंतर्गत व्यक्तिगत अधिकारों का कोई अस्तित्व नहीं है। अब ये बोलते हैं कि जो व्यक्तिगत अधिकार हैं
ना, जो व्यक्तिगत अधिकारों का अस्तित्व ही नहीं है, इनका ये मानना है। अस्तित्व, ठीक है, अस्तित्व नहीं है। याद रखिएगा, सामाजिक समेकता के सिद्धांत को किसने दिया था? दिग्वी ने दिया था। और इनके अनुसार क्या है कि व्यक्तिगत अधिकारों का अस्तित्व ही नहीं इन्होंने माना है। ठीक है, व्यक्ति अपने अपने को समाज में बिल्कुल आत्मसात कर देता है और उसकी व्यक्तिगत सत्ता सामाजिक सत्ता में विलीन हो जाती है। अतः व्यक्तियों के पास कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है, इनका ये मानना है। ठीक है, जो दिग्वी का उपयुक्त मत है वो सर्वमान्य नहीं है। अगर आप ये देखोगे कि दिग्वी जो बोल रहे हैं कि कानूनी अधिकार नहीं है, तो क्या ये उचित है? नहीं है, ये सर्वमान्य नहीं है। किसी किनो बहुत सारे मत हैं इनके कि कई लोगों ने इनको नहीं माना। तो राज्य द्वारा न्यायालय के माध्यम से कर्तव्यों को क्रियान्वित किया जाता है, परंतु जो कर्तव्य है ना, परंतु कर्तव्य तो व्यक्तियों के हितों के लिए ही क्रियान्वित किए जाते हैं। व्यक्तियों से हटकर समाज का अपना मूल्य क्या? ऐसी दशा में व्यक्तियों के निहित अधिकारों की अवहेलना नहीं की जा सकती। अगर आपको अधिकार दिए गए हैं तो उसके कर्तव्य को भी आप अवहेलित नहीं कर सकते हो, है ना? और अगर किसी को कर्तव्य दिया गया है तो आपके अधिकार कभी अवहेलना नहीं हो सकता है। ठीक है, तो समाजवादी शासन व्यवस्था में भी व्यक्तिगत अधिकारों की पूर्ण उपेक्षा संभव नहीं है। तो ये दिग्वी के समय का है, और दिग्वी ने कहा था कि सामाजिक समेकता के सिद्धांत के बारे में, और इन्होंने ये स्पष्ट रूप से बोला कि व्यक्तिगत अधिकारों को कोई अस्तित्व नहीं है और व्यक्तियों के पास कोई कानूनी अधिकार भी नहीं है। ठीक है, ये किसके बारे में चर्चा चल रही है कि अधिकार व कर्तव्य सापेक्ष हैं या सहसंबंधी हैं कि नहीं है, इनके बारे में दिग्वी की राय थी। अब आप देखिएगा कि आगे क्या होता है। आगे जो आपके ऑस्टिन है, ऑस्टिन क्या बोलते हैं कि किसी व्यक्ति के पास अधिकार इसलिए हैं क्योंकि दूसरे व्यक्ति उसके संबंध में कुछ करने या न करने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य होता है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति के पास में कोई अधिकार है ना, इसके पास अधिकार है, तो जो दूसरा व्यक्ति है उसको ये क्या है, उसका कर्तव्य है कि वो या वो काम वो करे या ना करे। ठीक है, ये दो कर्तव्य उसके पास रहते हैं, तो इसके जो कर्तव्य हैं वो इसके इसके लिए क्या है, वो अधिकार है, और इसके जो कर्तव्य होंगे वो इसके लिए क्या हो जाएंगे, बी के लिए अधिकार हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए ये ऑस्टिन बोलते हैं कि किसी व्यक्ति के पास अधिकार इसलिए है क्योंकि दूसरे व्यक्ति उसके संबंध में कुछ करने या न करने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य होते हैं। ऑस्टिन ने यद्यपि अधिकार के साथ एक सहवर्ती कर्तव्य की परिकल्पना की है, किंतु उन्होंने कुछ ऐसे कर्तव्यों का भी उल्लेख किया जो निरपेक्ष हैं, जिनके साथ कोई सहवर्ती अधिकार जुड़ा हुआ नहीं है। तो ऑस्टिन के अनुसार जो निरपेक्ष कर्तव्य हैं, है ना, निरपेक्ष कर्तव्य क्या है? पहला है आत्महत्या न करने का कर्तव्य। इनका मानना यह है कि कोई व्यक्ति आत्महत्या नहीं करेगा। दूसरा है आपका जनता के प्रति कर्तव्य, जैसे कि अपदूषण न करना। ठीक है, तीसरा बोलते हैं कि पशुओं के प्रति कर्तव्य। ठीक है, हम केवल व्यक्तियों के प्रति कर्तव्य को जानते हैं, पशुओं के प्रति कौन ध्यान देगा? पशुओं का चारा, पशुओं का भोजन, पशुओं की जगह को हम अधिग्रहित करते जा रहे हैं, तो पशुओं का ध्यान कौन रखेगा? क्या उनके समाज में विधि है? नहीं है, विधि तो हमारे लिए है, पशुओं के लिए नहीं है। ठीक है, और जितना भी लालच है वो हम किसके ऊपर, किसके में है, व्यक्तियों में है। तो इसीलिए ऑस्टिन ने बोला कि पशुओं के प्रति भी कुछ कर्तव्य होने चाहिए। और चौथा इन्होंने बोला कि राज्य या प्रभु सत्ताधारी के प्रति कर्तव्य। इन्होंने चार प्रकार से कर्तव्यों को डिवाइड कर दिया। ठीक है, पहला आत्महत्या न करने का कर्तव्य, दूसरा जनता के प्रति कर्तव्य जो अपदूषण नहीं करना होता है, और पशुओं के प्रति, और राज्य या प्रभु सत्ताधारियों के प्रति कर्तव्य। तो ऑस्टिन के अनुसार जो उक्त ये जो चार मैंने अभी बताए हैं वो कर्तव्य राज्य या प्रभु सत्ताधारी के प्रति कर्तव्य हैं।
जिनका कोई सहवर्ती अधिकार नहीं है। जब राज्य प्रभु सत्ताधारी की क्षमता से कार्य करता है, तब उसके पास अपने ही नागरिकों के विरुद्ध प्राप्त करने योग्य वैध अधिकारों का अभाव रहता है। ठीक है, इनके जो समर्थक हैं ऑस्टिन के साथ साथ किसने किसने इनका समर्थन किया, तो ऑस्टिन के साथ साथ में इनके जो विचार हैं, है ना, इनके जो ये विचार हैं, इनको एलन है, हिबर्ट है और मार्क भी है, इन्होंने समर्थन दिया है। ठीक है, यानी कि ऑस्टिन जो बोलते हैं उनके लिए एलन हिबर्ट और मार्कबी ने कहा कि हम आपका समर्थन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझना चाहिए कि जो ऑस्टिन है वो ये बोलते हैं कि किसी व्यक्ति के पास अधिकार इसलिए नहीं है क्योंकि दूसरे व्यक्ति को उसके संबंध में कुछ करने या न करने की कानूनी तौर पर बाध्यता है, ये उन्होंने कहा है। ठीक है, ऑस्टिन ने यद्यपि अधिकार के साथ एक सहवर्ती कर्तव्य की परिकल्पना की है, यानी कि अधिकार अगर आपको मिला है तो उसके साथ सहवर्ती कर्तव्य भी मिला है, जो आपका कर्तव्य है कि आप आत्महत्या नहीं करोगे, जनता के प्रति कर्तव्य होना चाहिए आपका, पशुओं के प्रति कुछ कर्तव्य होना चाहिए अगर आपको कोई अधिकार मिला है तो। ठीक है, तो ये चार उनके अनुसार आप सामने वाले को कर्तव्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब आगे देखिएगा जो सामंड है, सामंड ने क्या कहा है। सामंड बोलते हैं आपका कि कानूनी तौर पर रक्षित, ठीक है, ये वर्ड है, इसको याद रखिएगा। सामंड ने कहा था कानूनी तौर पर रक्षित हित व अधिकार की व्याख्या का संशोधन करते हुए मत व्यक्त किया कि हितों की कानूनी रक्षा या हितों की कानूनी रक्षा ही वैध अधिकार के लिए प्रचुर नहीं है। यानी कि इनके अनुसार क्या है, कानूनी या जो हितों की रक्षा है उसके लिए क्या है, ये वैध अधिकार नहीं है। किसके लिए, सामंड के लिए, है ना। हितों को कानूनी मान्यता भी प्राप्त होनी चाहिए, अगर आपके पास कोई हित है ना, तो उसको कानून के द्वारा मान्यता भी प्राप्त होनी चाहिए। वैसे भी हमने अधिकार कैसा पढ़ा है कि विधि द्वारा मान्य होना चाहिए, है ना, तभी वो अधिकार कहलाएगा। तो आगे देखिए, जो विधिक न्याय के किसी नियम द्वारा रक्षित एवं मान्यता प्राप्त कोई हित विधिक अधिकार कहा जाता है, तथा अधिकार व कर्तव्य सापेक्ष होते हैं। ठीक है, तो जो सामंड के निरपेक्ष कर्तव्य संबंधी ऑस्टिन के सिद्धांत का विरोध किया है, सामंड और जो ऑस्टिन है, जो ऑस्टिन ने जो निरपेक्ष कर्तव्य संबंधी जो दिया था सिद्धांत, उनका जो विरोध करते हैं सामंड, है ना। उनके अनुसार कोई कर्तव्य बिना सहवर्ती अधिकार के नहीं होता है। यदि एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह आत्महत्या ना करे अथवा पशुओं की हत्या ना करे अथवा देशद्रोह ना करे, तो समाज अथवा राज्य का यह अधिकार है कि वह समाज व राज्य में व्यवस्था रखने के लिए ऐसे कार्य को प्रोत्साहन ही ना दे, है ना, जिससे अर्थव्यवस्था व अशांति उत्पन्न होती है, अथवा ऐसे कार्य करने वालों को दंडित करे जो राज्य में अव्यवस्था फैलाने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो आप सामंड जो बोले, है ना, सामंड का जो कथन है वो ऑस्टिन व एलन के कथन से उचित प्रतीत होता है ना। तो जो सामंड बोल रहे हैं कि जो हित है आपका, हितों की जो कानूनी रक्षा है वो वैध तभी होगी जब उसको कानूनी मान्यता प्राप्त होगी, उनके अनुसार क्या है कि सामंड का कथन मानते हैं ऑस्टिन व एलन के कथन से ज्यादा अच्छा प्रतीत होता है। अतः ये बोला जा सकता है कि जो अधिकार व कर्तव्य एक दूसरे की क्या है, सापेक्ष हैं। सापेक्ष हैं अर्थात जहां अधिकार है वहां कर्तव्य भी है। इसीलिए ये नियम निकला है कि अगर आपको कर्तव्य है, अगर आपको अधिकार प्राप्त है तो वहां कर्तव्य भी होगा। ठीक है, जहां तक भारत के संदर्भ में प्रश्न उठता है कि जो भारत का सामान्य नियम है ना, कि अधिकार के साथ कर्तव्य भी जुड़े होते हैं, तो भारत में सामंड का जो कथन है वो भी कथन मान्य है ना। शुद्ध अर्थ में क्या है कि विधिक अधिकार जो लीगल राइट्स हैं का संबंध विधिक कर्तव्यों या लीगल ड्यूटी से होता है ना। हॉलैंड के अधिकार, हॉलैंड ने जो है अधिकार को इस तरीके से परिभाषित कर दिया कि किसी व्यक्ति में कोई विधिक अधिकार है, ऐसा तभी कहा जाएगा यदि कोई अन्य
एक या अनेक व्यक्ति अन्य व्यक्ति के प्रति कुछ करने या कुछ न करने के लिए विधिक रूप से आबद्ध है, अर्थात सहवर्ती कर्तव्य के बिना अधिकार का अस्तित्व ही नहीं है। ठीक, इस प्रकार अधिकार को ऐसा हित कहा जाता है जो विधि द्वारा मान्य होता है, जिसका संरक्षण विधि द्वारा क्या है, विधि द्वारा अन्य व्यक्तियों पर कर्तव्य अधिरोपित या आरोपित किया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा जो सामान्य के विचार हैं वो एकदम नपेतुले हैं, ठीक है, नपेतुले अर्थ के हैं, पर इसका जो अतिरिक्त विधिक अधिकार का प्रयोग उन्होंने कैसे व्यापक रूप से भी किया है। ठीक है, तो व्यापक रूप से कैसा किया है, उन्होंने सबसे पहले कहा है कि स्वतंत्रता व अधिकार शून्यता, शक्ति और अधीनता और उन्मुक्ति तथा निर्योग्यता। तो ये शब्द आपके लिए नए होंगे, है ना, कि जो स्वतंत्रता है वह अधिकार शून्यता, तो लिबर्टी एंड नो राइट्स, तो इसमें क्या औचित्य, मतलब कि इसको समझिए कि क्या है ये। तो व्यक्ति के जो विधिक अधिकार से आशय उन लाभों से है, यानी कि विधिक स्वतंत्रता से, है ना, विधिक स्वतंत्रता से आशय उन लाभों से है जो स्वयं पर विधिक कर्तव्य के आरोपण के अभाव से प्राप्त करता है। स्वतंत्रता के अधीन कोई व्यक्ति अपने कार्य को अपनी इच्छा के अनुसार बिना विधि के रोक टोक के कर सकता है, किंतु वह दूसरे के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगर आपको रोजी रोटी कमाने का अधिकार प्राप्त है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोजी रोटी कमाने के चक्कर में दूसरे का चोरी करके खाओ। ठीक है, यानी कि चोरी करके खा रहे तो वो भी आपका रोजी रोटी हो गए, ऐसा नहीं बोलता है विधि। ठीक है, यहाँ पे दूसरे के अधिकारों का हनन भी नहीं होना चाहिए और दूसरे के अधिकारों में हस्तक्षेप भी नहीं होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को अपने विचार अभिव्यक्त करने की अगर स्वतंत्रता है तो उसे यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह अपमान लेख या अपमान वचन या दूसरे व्यक्ति की मानहानि करे। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्वतंत्रता के बारे में कि क्या है स्वतंत्रता, कि उन लाभों से है, मतलब यहाँ पे जो स्वतंत्रता है वो लाभ से है। ठीक है, कौन सा लाभ मिला है, कि जो आपको विधिक कर्तव्य के आरोपण के अभाव से प्राप्त होता है। तो इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया कि मानहानि, ठीक है, यानी कि बोलने की अभिव्यक्ति जो है ना, विचार अभिव्यक्त करने की, विचार अभिव्यक्त करना क्या है, मिला है ना आपको। ठीक है, विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको ये अधिकार नहीं है कि आप किसी का अपमान करेंगे या अपमान लेख लिखेंगे या किसी का दूसरे व्यक्ति को जानबूझ के मानहानि करेंगे। ठीक है, अब आप देखिएगा जो विधिक अधिकार है, जो विधिक अधिकार ऐसे लाभ होते हैं जिनमें अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के विधिक कर्तव्य के द्वारा प्राप्त होता है यह प्राप्त किया जाता है। अधिकार के अंतर्गत कर्तव्यों को प्रवर्तनीय कराने के लिए विधि की शक्ति का प्रयोग किया जाता है, परंतु इसके विपरीत स्वतंत्रता वह लाभ है जिसे व्यक्ति स्वयं कर्तव्यों की अनुपस्थिति से प्राप्त करता है। इस प्रकार स्वतंत्रता अवरोध के ना होने को प्रदर्शित करती है। इसलिए सामण जो बोलते हैं कि अधिकार का तात्पर्य उन कर्तव्यों से है, अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जो अधिकार का तात्पर्य है उन कर्तव्य से है जो दूसरे व्यक्ति मेरे प्रति करने के लिए बाध्य है, और विधिक स्वतंत्रता वह है जिसे मैं अपनी इच्छा अनुसार बिना किसी प्रकार के कर्तव्य के बंधक में बेरोक टोक कर सकूं। तो ये आपका सामण के द्वारा है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या समझाया कि स्वतंत्रता व अधिकार शून्यता क्या है। ठीक, अब आगे देखिएगा कि अगर जो सामंड है उन्होंने क्या बोला कि अधिकार शून्यता को क्या है, स्वतंत्रता का सहवर्ती माना है। ठीक है, यानी कि अगर आपको स्वतंत्रता है तो अधिकार शून्यता भी है, ये सहवर्ती है। ठीक है, जैसे कि एक की स्वतंत्रता के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति में अधिकार का न होना, जैसे एग्जाम्पल लो इसका कि यदि ए को कोई कार्य करने की स्वतंत्रता है ना, ए को अगर कोई काम करने की स्वतंत्रता है तो बी को यह अधिकार नहीं है कि वह, है ना, कि अ द्वारा वह कार्य न किया जाए। ठीक है, यदि अ को कोई कार्य करने की स्वतंत्रता है तो ब को अधिकार नहीं कि वह अ द्वारा वह कार्य न किया जाए। इसी प्रकार
यदि अ को कोई कार्य न करने की स्वतंत्रता है तो वह ब को यह अधिकार नहीं है कि वह अ द्वारा कार्य किया जाए। ब यदि अ की भूमि पर अतिचार करता है तो अ की यह स्वतंत्रता है कि वह ब को उस भूमि से बाहर निकाल सके, परंतु ब को यह अधिकार नहीं है कि उसे भूमि से बाहर निकाल सके। यानी कि अगर अ के पास जो जमीन है उसमें वो रह सकता है, ठीक है, परंतु वो क्या है, बी उसमें अतिचार नहीं कर सकता है, और अगर अतिचार करता है तो अ उसको बाहर निकाल सकता है। उसका क्या है, वो अधिकार है कि अपनी अपनी भूमि से वो क्या कर सकता है, जो भी वहां पे आए उसको वो बाहर निकाल के फेंके, ये उसका अधिकार है अ का, ठीक है। परंतु क्या है, बी अगर यहाँ अतिचार करता है तो क्या ए को बाहर निकाल सकता है, नहीं निकाल सकता, ठीक है, क्योंकि ये जो है ए का अधिकार है, बी का अधिकार नहीं है। बी का कर्तव्य है यहाँ पे कि वो यहाँ पे अतिचार ना करे, ठीक है। अब आगे देखिएगा, शक्ति और जो अधीनता है ये सहवर्ती कैसा है, ठीक है। तो सामंत के मत अनुसार क्या है कि शक्ति वह सामर्थ्य है, ठीक है, शक्ति क्या है, सामर्थ्य बोल रहे हैं। शक्ति वह सामर्थ्य है जो किसी व्यक्ति को विधि द्वारा या तो स्वयं के अथवा अन्य व्यक्तियों के अधिकार, कर्तव्य, दायित्व, अन्य विधिक संबंध अपनी निजी इच्छा अनुसार विनियमित या परिवर्तित करने के लिए प्रदान की जा सकती है। अगर आप एग्जाम्पल लो तो ये है कि संपत्ति विक्रय करने का जो अधिकार है वो है आपकी शक्ति, आपका सामर्थ्य है। बंधकदार का बंधक संपत्ति को बेचने का अधिकार है, आप अपनी संपत्ति को बेच सकते हो ना, वो आपका क्या है, अधिकार भी है और आपका सामर्थ्य भी है, आप अपनी शक्ति से उसको बेच सकते हो, अपनी भूमि को, अपने जमीन को, है ना। परंतु क्या आप दूसरे की भूमि को बेच सकते हो, क्या आपकी वो शक्ति है, आपका वो सामर्थ्य है, नहीं है, यहां तक कि आपका अधिकार भी नहीं है दूसरे की भूमि को बेचने का, ठीक है। तो सामंत सामंत के अनुसार शक्ति दो प्रकार की हो सकती है, सामर्थ्य या शक्ति दो प्रकार की हो सकती है। पहला तो है आपका सार्वजनिक और दूसरा है आपका व्यक्तिगत, ठीक है। तो ऐसी शक्ति जो किसी व्यक्ति में राज्य के अभिकर्ता के रूप में निहित होती है वो सार्वजनिक शक्ति कहलाती है। राज्य के अभिकर्ता के रूप में, और इसका प्रयोग राज्य के कार्यों के संचालन के किया जाता है। और व्यक्तिगत शक्ति ऐसी शक्ति होती है जो व्यक्तियों में व्यक्तिगत प्रयोजन के लिए लाए जाने के लिए निहित होती है, व्यक्तिगत है, व्यक्ति को प्राप्त होती है, ठीक है, व्यक्ति प्रयोजन के लिए। तो ये हो जाएगा आपका व्यक्तिगत शक्ति, ठीक है। तो इसमें राज्य के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, व्यक्तिगत अधिकार आपको मिला है तो व्यक्तिगत प्रयोजन के लिए आप उस शक्ति का प्रयोग कर सकते हो, है ना। पर जो आपको सार्वजनिक शक्ति मिली है या सार्वजनिक सामर्थ्यता आपको जो प्राप्त है वो किसके लिए करोगे, आप राज्य के कार्यों के संचालन के लिए करोगे, ना कि व्यक्तिगत रूप से। अगर आपने क्या किया, जो सार्वजनिक शक्ति आपको जो मिली है, यानी कि जो लोक अधिकारी को कह रहा है, वो अपने निजी काम को करवाएंगे तो वो क्या होगा, वो उसका दुरुपयोग कहलाएगा, ठीक है। तो शक्ति व अधिकार एक दूसरे से भिन्न है। एक व्यक्ति की शक्ति किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों पर कर्तव्य का भार नहीं डालती। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई शक्ति है तो दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के कर्तव्य पे वो भार नहीं डालती, जबकि जो अधिकार है ना, तो अधिकार के साथ जो कर्तव्य हमेशा जुड़ा होता है, ये आपको स्पष्ट रूप से ज्ञात है। अर्थात प्रत्येक अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के कर्तव्य से आबद्ध अवश्य करता है। इसी प्रकार शक्ति व स्वतंत्रता में भी स्पष्ट अंतर है कि ये आवश्यक नहीं है कि किसी व्यक्ति द्वारा स्वतंत्रता का प्रयोग जानबूझकर ही किया जाए, वह इसका प्रयोग बिना उसके अनुभूति के या ज्ञात रूप से भी कर सकता है, परंतु शक्ति का प्रयोग सदैव जानबूझकर ही किया जाता है। शक्ति का अपेक्षित तत्व तो अधीनता है। अगर आपके पास शक्ति है तो आप किसी को अपने अधीन कर सकते हो, ठीक है। अधीनता है जो यह अभिप्रेत करता है कि शक्ति व्यक्ति के विरुद्ध अन्य व्यक्तियों में शक्ति निहित है। सामान्य अधीनता की बजाय दायित्व को ही अधिकार का अपेक्षिक तत्व मान लिया, ठीक। अब इसके साथ देखिएगा, आपका जो सह संबंध हमको देखना है आगे का, वो है उन्मुक्ति तथा निर्योग्यता।
अगर आपको उन्मुक्ति मिली है तो निर्योग्यता भी है, वो सहसंबंध है। जैसे आपका अधिकार है तो कर्तव्य है, स्वतंत्रता है तो अधिकार शून्यता है, शक्ति है तो अधीनता है, उन्मुक्ति है तो निर्योग्यता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझिएगा कि उन्मुक्ति का आशय क्या है। उन्मुक्ति से आशय ऐसे शब्द से है कि किसी दूसरे की शक्ति से उन्मुक्त होता है वो। ठीक है, उन्मुक्त होता है, इम्यूनिटी होता है। जिस प्रकार शक्तिधारी की शक्ति अन्य व्यक्ति के कुछ न करने या करने के दायित्व के रूप में अभिव्यक्त होती है, ठीक उसी प्रकार उन्मुक्तिधारी की उन्मुक्ति अन्य व्यक्तियों के द्वारा उसके प्रति या विरुद्ध करने कुछ कर सकने की अक्षमता पर अक्षमता के रूप में प्रकट होती है। जैसे किसी मामले के विचारण में कोई न्यायाधीश द्वारा सद्भावना पूर्वक कहे गए कथन उसे मान हानि के दायित्व के से उन्मुक्ति दिलाते हैं। यानी कि जो न्यायाधीश हैं वो अगर कुछ न्याय करते समय कुछ सद्भावना पूर्वक कुछ कह देते हैं, है ना, तो उनका जो कथन है अगर वो सामने वाले को बुरा लगता है, अपमानजनक लगता भी है, तो वो उसके लिए क्या करेगा, वो मान हानि नहीं कर सकता। क्योंकि यहाँ पे जो न्यायाधीश है उन्होंने क्या किया, केवल अपना कर्तव्य किया। ठीक है, वहां पे दायित्व से उन्मुक्ति दिलाते हैं यानी कि छोड़ देते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या, न्यायाधीश को मान हानि के लिए नहीं घसीट सकते आप। ठीक है, वहां पे उनको उनके दायित्व से क्या हुआ, उन्मुक्ति मिल गया। ठीक है, उन्मुक्ति का सहवर्ती तत्व अन्य व्यक्तियों की निर्योग्यता है, जिसमें शक्ति का अभाव रहता है। विधि शास्त्र में उन्मुक्ति की धारणा का आधार सूत्र क्या है, नेमो डेड क्वाड नॉन हैबिट। ठीक है, ये आपका सूत्र है इसका, किसका, उन्मुक्ति तथा निर्योग्यता से संबंधित सूत्र है। ठीक है, अर्थात जिसके पास कुछ नहीं है वह कुछ नहीं दे सकता। जैसे अंतरराष्ट्रीय विधि के अंतर्गत प्रत्येक राष्ट्र के प्रभु सत्ताधारी को यह उन्मुक्ति प्राप्त है कि उस पर अन्य देशों के न्यायालयों में वाद नहीं लाया जा सकता। इस प्रकार समस्त देशों के नागरिक इस निर्योग्यता के अधीन है कि वे विदेशी प्रभु सत्ताधारी के विरुद्ध अपने देश के न्यायालय में वाद नहीं ला सकते। उन्मुक्ति के विषय में सामण का कहना यह है कि उचित अर्थ में उन्मुक्ति ना तो अधिकार है, न ही दायित्व है और ना ही शक्ति है, अपितु वह दूसरे पक्ष के निर्योग्यता को प्रदर्शित करता है कि सामने वाला जो पक्ष है वो कितना निर्योग्य है, वो उसको प्रदर्शित कर रहा है। अतः स्पष्ट है कि उन्मुक्ति विधिक अधिकार से भिन्न है। उन्मुक्ति का सहवर्ती तत्व निर्योग्यता है, ना कि कर्तव्य। ठीक है, तो यहाँ पे अधिकार, स्वतंत्रता, शक्ति तथा उन्मुक्ति की धारणाओं के सारभूत तत्वों को स्पष्ट करते हुए सामण ने ये कहा कि जो अधिकार है, अधिकार शुद्ध अर्थ में वह है जिसे मेरे लिए करने के लिए अन्य व्यक्ति कर्तव्यबद्ध होता है। स्वतंत्रता वो है जो मैं स्वयं के लिए बिना किसी कानून के बेरोक टोक कर सकूं। शक्ति वो है कि जो मैं दूसरों के विरुद्ध करता हूं, और उन्मुक्ति उसे कहते हैं जो दूसरे मेरे संबंध में नहीं कर सकते। ठीक है, इस प्रकार ये बोला जा सकता है कि अधिकार व कर्तव्य में चोली दामन का साथ है, या दोनों एक दूसरे के क्या है, सहसंबंधी है, एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है अधिकार और कर्तव्य समाप्त होता है। तो इससे अगर आपको कुछ संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं।